राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर चल रहा था अपने पास, डिफरेंशियल कैलकुलस ऊपर चल रहा था, डिफरेंशियल कैलकुलस और जिसके अंदर भी अपने पास थे यूनिट नंबर सेकंड की बात कर रहे थे अपन। पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका नाम। पार्शियल डिफरेंशियल और यहां तक कि अपन ने इसमें इसके कुछ एक्सरसाइज 5.1 की अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, एग्जाम्पल्स भी चल रहे थे अपने पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड भी हो गया था और अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे थे जिसके अपने पास 3 पार्ट थे। एग्जाम्पल नंबर 5 ये चल रहा था और एग्जाम्पल नंबर 5 के थे अपने पास 3 पार्टीशन थे। क्वेश्चन था अपने पास इफ यू इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy ये दे रखा था अपने को और तब अपने को प्रूफ करना था, दे रखा था देन प्रूव दैट, तब अपने को प्रूफ करना है इसमें डेल यू बाई डेल एक्स नंबर फर्स्ट कंडीशन थी value by del y plus value by del z is equal to 3 upon x plus y plus z। नंबर सेकंड था अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर यू इज इक्वल टू सिद्ध करना था अपने को माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और नंबर थर्ड था अपने पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या था माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये था अपने पास जिसमें अपन ने पिछली क्लास में इसका ही फर्स्ट पार्ट ये क्लियर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था और ये भी अपन ने निकाल, यानी एग्जाम्पल नंबर जो 5 था अपने पास उसका ये पार्ट हो गया था अपने पास फर्स्ट पार्ट और इसके बाद में ये वाला पार्ट भी हो गया था। अब अपने को प्रूफ करना है ये थर्ड वाला डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखते हैं अपने पास
ग्रुप करेंगे अपन थर्ड पार्ट इसका। यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऊपर क्योंकि शॉर्ट था ये, आपको बता दिया एक बार, क्वेश्चन दे रखा है, पेपर बता दिया, डिफरेंशियल क्या चल रहा था, डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये था अपने पास एग्जांपल नंबर 5 का सी पार्ट था। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये था माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये अपने को प्रूव करना था, जो इज इक्वल टू दे रखा था लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये कंडीशन दे रखी थी। देखो सॉल्यूशन के लिए फोर गिवन क्या दे रखा है अपने पास, यो इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, यो इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये दे रखा था। तो अपने को प्रूफ करने वाली कंडीशन ये बताई दी थी, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो इसके लिए देखते हैं, यदि अपन क्या माने यदि वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हों तो बीजगणित से अपन बीजगणित से फॉर्म एलजेब्रा एक फॉर्मूला होता है अपने पास, फॉर्मूला मान लो या फिर यानी ओमेगा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल, ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या हो अपने पास वन हो तो, और वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जी, तब अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ध्यान रखने के लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां भी लिख देंगे अपन, एक्स प्लस वाई प्लस कर देंगे जेड, और एक बार यहां भी कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस, तो ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इसको कर देंगे ओमेगा से मल्टीप्लाई या ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से वाई को कर देंगे पहले ओमेगा स्क्वायर से और उसको ओमेगा से, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा, अपने पास क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, मल्टीप्लाई करने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड
एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा और इनटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। जब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म को तो अपने पास वापस क्या आएगी, यही टर्म है निकल के आएगी, क्योंकि जहाँ पर क्या होगा ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो वन हो जाएगी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो एक बार नोट कर लो इसको, स्क्रीन शॉट ले लो इसको। यार देखो नोट हो गया भाई, अपने पास दे रखा था u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई, और इस समीकरण में अपन दोनों तरफ क्या ले लें लॉग ले लें। तो देखो अपन करते हैं अभी इसको, क्योंकि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो लॉग लेंगे, लॉग ले लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ये टर्म हो जाएगी। इसके बाद देखो एक एक टर्म बता रहा हूं इसकी, लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड किसकी वैल्यू थी यू की, क्योंकि फोर है गिवन, यू इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड जो दे रखा था अपने को, तो ये वैल्यू लिख देंगे यहाँ से LHS में देखो लॉग ए बीच में निशान किसका है डॉट बी डॉट सी, लॉग ए डॉट बी लॉग ए तो अपने पास क्या होता है लॉग का लॉग ए डॉट बी डॉट सी गुणा में है तो क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग ए सी, तीनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए देखो तीनों को ऐड करेंगे तो यू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर
प्लस जेड ओमेगा, यू इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, ये तीनों टर्म नोट करो इसको। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हो गया होगा नोट। यो हो गया, समीकरण नंबर डाल देते हैं। समीकरण एक का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, आंशिक अवकलन, तो क्या आएगा डेल यू वाई, जो कि अपने को निकालना है डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू वाई डेल वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। लॉग x का करेंगे तो वन अपॉन x क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ए होगा, यहाँ से प्लस इसका करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। नोट करो इसको। ये तो वैल्यू आ गई डेल यू बाई डेल एक्स की। यदि दोबारा इसका अवकलन करेंगे डेल टू यू वाई डेल एक्स स्क्वायर निकाले अपन, तो क्या आ जाएगा इसका, वन अपॉन एक्स का तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा जेड ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगी, वैल्यू जीरो आ जाएगी, और इसी प्रकार सेम करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर यहाँ तक, नोट कर लो। अपन ने डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है।